पैदल आ रहे हो तो भाई थोड़ा पीछे आ जाना अपन लोग थोड़ा फैल ज्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे बच्चे फुट हो जाएंगे अरे मोबाइल लोकल लोकल होंगे नो भरत भाई इधर इधर बैठे हैं भाई साहब एक मिनट ना पीछे हो गई अरे रास्ते में खाली सारी व्यवस्था है ना लोगों को सफर कर अरे आप लोग साइड हो जाओ यार सर लगाओ तो भरत भाई भाई कहाँ जा रहे हो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो प्रवासी मजदूर हैं उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं इसके साथ ही उन्होंने खाने पीने का सामान तमाम जो सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से दी जा रही है सरकार का वादा है फिर इन्हें मुफ्त क्यों नहीं भेजा जा रहा ये किराया क्यों लिया जा रहा है सर लगातार हम देख रहे हैं घटनाएं सामने आ रही है मजदूरों के रास्ते में मौत हो अब आपने खुद ने देखा है ये कह रहे हैं मुफ्त में व्यवस्था कर रहे हैं कहाँ व्यवस्था हुई है लोगों से 3,000 से 5,000 रुपए तक लिए जा रहे हैं ट्रकों के लिए अंदर 3,000 और इनके गाड़ियों के अंदर 5,000 बसों के अंदर 4,000 इस तरह से लिए जा रहे हैं बॉर्डर तो सील कर दिया गया है मजदूरों को बिल्कुल पूरा सील कर दिया गया है और डंडे बरसाए जा रहे हैं गरीबों के ऊपर लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं मजदूर बिल्कुल निश्चित तौर पर बुरी अव्यवस्था है के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोविड 19 के जो संक्रमित हैं निश्चित तौर पे मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और अभी तो ठीक आया नहीं है शुरू से और भी ठीक आने वाला है पानी खाने के पैकेट सभी चीज और आज जुड़े थी यहाँ पर आए थे और लगातार सेवा चलती है कल से आज लॉकडाउन का आखिरी दिन है कल से चौथा लॉकडाउन का है इसकी लेकिन अभी सरकार तय नहीं कर पा रही है और आज सबसे ज्यादा 5,000 केसेस आए हैं 5,000 और 120 लोगों की जान गई है ये स्थिति है अभी तक तय नहीं कर पा रहे क्या करें फेल हो गया लॉकडाउन फेल हो गया